For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने दबंग 3 का पहला टीजर रिलीज किया था और वो भी हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में। माय माय माय, देखते ही देखते इस टीजर ने तो इंटरनेट पर चुलबुल पांडे को वायरल कर दिया और इस टीजर को देखकर सभी दबंग फैंस खुशी से झूम उठे। पर हैरानी की बात ये थी कि साउथ स्टार रामचरण ने भी इस टीजर के तेलुगु वेरियंट की तारीफ करते हुए इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इतना ही नहीं, रामचरण ने तो कैप्शन में भी सलमान खान को विश करते हुए लिखा, सलमान खान एज चुलबुल पांडे नाउ इन तेलुगु, वेलकम माय ब्लॉकबस्टर फ्रेंड। कई साल पहले जब सलमान खान फिल्म दबंग के साथ पहली बार चुलबुल पांडे के अवतार में आए थे तो उन्हें क्या पता था कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का रूप ले लेगी। और आज करीब एक डेकेड के बाद भी सलमान खान के चुलबुल पांडे कैरेक्टर को फैंस बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में दबंग 3 को लेकर सभी के मन में काफी एक्साइटमेंट है और रामचरण जैसे स्टार्स भी जब भाईजान की तारीफ करके उनका स्वागत करते हैं तो फिर आगे न जाने कौन से धमाके होने वाले हैं। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई एक्साइटिंग खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। भाईजान के चाहने वाले हजार हैं, भाईजान आपके हैं लेकिन मेरे तो नहीं हैं। चलिए बात करती हूँ इस बारे में। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। सलमान खान को इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग प्यार करते हैं कि जब भी उनकी कोई फिल्म आती है या कोई पोस्टर आता है या कोई गाना आता है या कोई शो आता है, कुछ भी सलमान खान से रिलेटेड जैसी अपडेट आता है, हज़ारों लोग उस बारे में और अपडेट करने लग जाते हैं। जैसे कि हाल ही में एजाज खान, जी हाँ, जो कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंसते रहते हैं। एजाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को प्रमोट किया कि दबंग 3 आ रही है और इस बार दबंग 3 कन्नड़ा में भी आ रही है, क्योंकि सलमान ने अपने सोशल मीडिया साइट पर पहले हिंदी लैंग्वेज में डाला, फिर उसके बाद तमिल लैंग्वेज में डाला और अब कन्नड़ा में डाला। सो कहीं ना कहीं सलमान को इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हुए सुनना थोड़ा सा प्रिटी मच एक्साइटिंग है ये अपने आप में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सलमान को ऐसे अवतार में देखने के लिए, 3 से 4 लैंग्वेजेस में देखने के लिए। 5 लैंग्वेजेस में दबंग रिलीज हो रही है, दबंग 3। सो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और एजाज ने भी अब तो एक तरीके से भाईजान को कंग्रेचुलेट कर दिया है कि सिर्फ 100 दिन में आने वाले हैं सलमान खान दबंग 3 लेकर। सो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।